नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज राजस्थान पंचायती दुनिया में। बांसवाड़ा जिले की गढ़ी विधानसभा क्षेत्र से पूर्व प्रधान श्रीमती कल्पना कटारा ने कांग्रेस पार्टी से दावेदारी पेश की है। श्रीमती कटारा युवा चेहरा है, साथ ही वर्तमान में जिला अध्यक्ष महिला कांग्रेस बांसवाड़ा के पद पर विराजमान है। इसी के साथ ही राजीव गांधी पंचायती राज प्रदेश सचिव के पद पर अपनी सेवाएं दे रही है। श्रीमती कटारा शांति अहिंसा प्रकोष्ठ गांधी दर्शन ब्लॉक से सह संयोजक के पद पर भी है। सामाजिक क्षेत्र में वाल्मीकि भील समाज अर्थुना चौखला की महिला ब्लॉक अध्यक्ष है। प्रबल दावेदार श्रीमती कल्पना कटारा के क्या चुनावी मुद्दे और एजेंडे हैं, जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आरपीडी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं गढ़ी विधानसभा के अंदर। राजस्थान विधानसभा के चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहे हैं, वैसे ही राजनीतिक हलचलें हैं वो बढ़ रही हैं और सभी जो बीजेपी है या कांग्रेस, सभी जो दावेदार हैं वो अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं और किसको टिकट मिलेगी इसको लेकर असमंजस में है। इसी स्थिति में आज हम गढ़ी विधानसभा के जो पूर्व प्रधान हैं कल्पना जी कटारा, उनसे रूबरू होने जा रहे हैं। और विशेष तौर से आपको मैं बताना चाहूँगा कि अब की बार 33% जो महिलाओं आरक्षण पारित हुआ है लोकसभा के अंदर, उसको लेके इनके क्या विचार हैं और महिला सशक्तिकरण को लेके क्या विचार है, आगे इनकी क्या मनसा है, अपने क्षेत्र के प्रति क्या विचार है, जानते हैं। मैडम नमस्कार। जी नमस्ते। सबसे पहले हमारे चैनल में मैडम आपका स्वागत है। थैंक यू। तो मैडम सबसे पहले तो आपने राजनीति करियर के बारे में बताइए। जी मैं 2015 में पूर्व प्रधान थी, तब से सक्रिय होकर मैं काम कर रही हूँ। पार्टी के लिए भी मैं काम कर रही हूँ, महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष वर्तमान में, पंचायत राज संगठन में प्रदेश सचिव हूँ। ने आज मैं सक्रिय होकर काम कर रही हूँ। 2 साल से हम मैं जनसंपर्क बढ़ा दिया है, मैं दावेदारी भी मैंने जता रखी है। ने मैं महिला होने के नाते मैं युवा चेहरा भी हूँ, मैं शिक्षित हूँ, BA BEd भी हूँ, तो महिलाओं का हक है, महिला भी आगे बढ़े, महिला भी एक यहाँ से क्षेत्र में जीत कर जाए तो अपने क्षेत्र की बात रख सकते हैं, महिलाओं के लिए भी रख सकते हैं। महिला बहुत आगे बढ़ रही है, मैं महिलाओं से वही निवेदन करती हूँ, हमारी महिला आगे बढ़े। जी बहुत अच्छी बात है। विशेष तौर से महिला है तो सबसे पहली प्रायोरिटी महिलाओं की अधिकारों की बात करेंगे। मैडम विशेष तौर से अब की बार अपन बात करते हैं तो लोकसभा के अंदर 33% जो आरक्षण अपने बिल पारित हुआ है महिलाओं को लेके, तो उनको लेके क्या कहना चाहेंगे? इसमें भी महिलाओं को लोकसभा में भी जाने का मौका मिलना चाहिए, मैं तो वही बात करूँगी। जहाँ तक महिला आगे बढ़ेंगे तो देश के लिए, अपने राज्य के लिए महिला ज़्यादा एक्टिव होगी, सक्रिय होकर काम भी करेंगी। मैं भी एक गृहस्थी भी हूँ और प्रधान भी कर रही हूँ, MLA के दावेदारी अभी सक्रिय होकर मैं प्रबल दावेदारी के रूप में काम कर रही हूँ। तो ये कह सकते हैं महिलाएं हैं वो भी पुरुषों से कम नहीं है? हाँ जी, महिलाएं पुरुषों से कम नहीं है, महिला भी आगे बढ़ के कुछ करना चाहती है, कुछ दिखाना चाहती है। जी। तो अगर बात करते हैं अब की बार आप गढ़ी विधानसभा क्षेत्र से, आपने कांग्रेस पार्टी से आवेदन किया है, तो यहाँ विशेष तौर से महिलाओं के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? देखो महिलाओं के लिए जो भी होगा मैं करूँगी, महिलाओं के लिए एक बार टिकट मिले तो महिलाओं के लिए जो भी, महिलाओं को आगे भी बढ़ाएंगे, उनको जागरूक भी करेंगे, शिक्षा के बारे में भी बताएंगे, जो भी काम होगा उनके लिए मैं तत्पर होकर करूँगी। जी। इसके अलावा मैडम जैसे अपने क्षेत्र की बात करें तो यहाँ आगे मुख्य एजेंडे क्या है, क्या मुद्दे हैं यहाँ के मेन मुद्दे? तो देखो हमारे गहलोत सरकार ने कोई कमी नहीं रखी है, चाहे बिजली के क्षेत्र में हो, चाहे पानी की समस्या, चाहे कुछ भी हो, हमारे गहलोत सरकार में अच्छा काम हुआ है। तो हम तो वही चाह रहे हैं कि हमारी पार्टी में कांग्रेस का विधायक जीत के आए, मैं भी वही कह रही हूँ कि हमारा कोई भी किसी को भी टिकट मिले तो हम तन मन धन से जिताएंगे। मैडम जैसे आपने कहा कि किसी को टिकट मिले, लेकिन अब की बार कहीं ना कहीं गढ़ी विधानसभा की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस के अंदर फूट नजर आ रही है, उसको लेके क्या कहना? नहीं, फूट तो नजर तो नहीं आ रही है, हम तो एकजुट होके काम कर रहे हैं, जिसको भी टिकट आला कमान निर्णय करे उसके साथ में रख के पार्टी को जिताएंगे। हमारा कोई फूट नहीं है, कोई व्यक्तिगत किसी के व्यवहार से कुछ हो सकता है, पर हमारे ऐसा हमने मैडम अब की बार जिस प्रकार से यूथ है वो अब की बार आ रहा है, युवा चेहरे काफ़ी राजनीति के अंदर उतर रहे हैं, तो आप भी एक युवा ही हैं वर्तमान में, तो
हमेशा चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, ये मैं खाली ये नहीं कांग्रेस पे आरोप लगाता, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस हमेशा युवा चेहरों को लेके बड़े बड़े वादे करती हैं, लेकिन जब टिकट वितरण का समय आता है तो उनको कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया जाता है, उनको लेके क्या कहना चाहेंगे जी? मैं तो वो मैं युवा हूँ तो युवाओं के बारे में ही बात करूँगी ज़्यादातर, तो क्योंकि युवा को भी मौका मिला तो युवा भी आगे बढ़ के कुछ कर सकता है जी, जी, जी। समाज के लिए, अपने दे अपने क्षेत्र के लिए भी जी, 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 जी। इसके अलावा अपने क्षेत्र की अगर जैसे बात करते हैं, इस क्षेत्र में अभी भी किसानों की स्थिति है काफ़ी दयनीय है, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? किसानों की स्थिति थोड़ी ये फसल खराबा हुआ है तो हम भी मांग रख रहे हैं ऊपर तक कि फसल खराबा हो तो उनको थोड़ा फसल खराबा मिल जाए। किसानों के लिए भी सरकार ने 2000 यूनिट बिजली फ्री कर रखी है, तो हम भी मांग करेंगे किसानों के लिए जो भी ऊपर से तो जो भी मिलेगा फायदा। मैडम जैसे आपने कहा कि फ्री, तो ये फ्री वाला सिस्टम अब की बार कांग्रेस सरकार ने काफी लागू कर दिया और विपक्ष वाले कह रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव आते जा रहे हैं वैसे वैसे ये फ्री योजनाएं काफी निकाल रहे हैं जी। वो तो उनके पास बोलने के लिए मुद्दा नहीं है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उनको भी पता चल गया कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार रिपीट हो रही है जी, जी। बोलने के लिए उनके पास कोई मुद्दे नहीं है ज़्यादा उनके बारे में बात करते हैं। जैसे अब की बार विशेष तौर से पेपर लीक जैसे मुद्दे, युवा बेरोजगार है, वो तो सड़कों पे। देखो पेपर लीक तो भाजपा के राज में भी हुए थे, पर ये इस मुद्दे को लेकर वो गुमराह कर रहे हैं विद्यार्थियों को जी, जी, जी। आपको क्या लगता है वास्तव में ऐसा कुछ हुआ नहीं अब की बार ज़्यादा केस देखने को मिले? आप ज़्यादा तो वो हमारी सरकार कहीं ना कहीं जाँचें तो करवा रही है, जो भी हो वो तो निकलेगा जी। मैडम खैर जैसे अपने बात करते हैं महिला, जैसे महिलाओं की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अपना स्टेट है महिला उत्पीड़न के मामले में अव्वल रहा है, विशेष तौर से महिलाओं अपराधों को लेके, तो उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि राजस्थान में तो ऐसा हुआ नहीं है, पर दूसरी जगह ये बहुत से ज़्यादा घटनाएँ हो रही हैं जी। इतनी तो अपने राजस्थान में कि अपने क्षेत्र में हमको तो दिखाई नहीं होगी, तो उसकी हम भी कुछ कार्रवाई करवाएंगे, ने जांच वगैरह सुधार वगैरह कर कार्रवाई भी करवाएंगे जी, निवारण करवाएंगे जी। और क्या कहना चाहेंगे इसके अलावा? बस हम तो ये दावेदार, आप अब की बार दावेदार कर रहे हैं, तो क्षेत्र के लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल हम जो भी समस्या है को सुधारा भी करवाएंगे, निवारण भी कराएंगे, जनता के लिए काम करेंगे तन मन। तो यह थी हमारी खास मुलाकात पूर्व प्रधान कल्पना जी कटारा, जिनका कहना है कि विशेष तौर से युवाओं को मौका भी मिलना चाहिए और इस क्षेत्र के विकास में युवा है वही एक नए आयाम है वो स्थापित कर सकते हैं। धन्यवाद मैडम, समय दे, बहुत बहुत धन्यवाद।